Next speaker, Sri Dinesh Chandra Yadav ji. आपने मुझे समान बजट 22-23 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत कोरोना महामारी से परेशान और क्षति वे आम लोगों की संवेदना व्यक्त करती है, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। सभापति महोदय, महामारी काल से उबरते हुए देश काफ़ी अच्छी गति से अर्थव्यवस्था की अपनी रफ्तार पकड़े हुए है और आर्थिक विकास दर 9.2% इसका उदाहरण है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व में सरकार के अच्छे कार्य का ही नतीजा है, इसके लिए भी सरकार धन्यवाद के पात्र है। महोदय, कोरोना महामारी वैसे तो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया, किंतु अपने यहाँ तेज गति से टीकाकरण के कारण ही हम तीसरी लहर से मजबूती झेल गए और कम से कम नुकसान हुआ। इस महामारी से हमारे देश के ग्रामीण लोगों में भी स्वास्थ्य का ढांचा तैयार हो जाए, यह एक सार्थक कदम कहा जाएगा। सरकार नागरिकों को, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम और योजना चलती है, काफ़ी फायदा सामने नजर आ रही है। अब गरीबों के खाते में सरकार सहायता डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, बिचौलियों का तो दुकान ही बंद हो गया। 80 लाख लोगों को पक्के घरों का फायदा हुआ, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, किसानों को पेंशन, श्रमिकों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, लोगों में खुशी का माहौल है। हाँ, वैसे हमारे किसान की दशा अभी काफ़ी दयनीय है और सरकार को इस पर अधिक ध्यान देकर उसके आय दुगुनी करनी है। युवाओं में बेरोजगारी एक समस्या है, उसे भी दूर करने की नीति स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो यह एक खतरे की घंटी है। सभापति महोदय, नीति आयोग और रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़े राज्यों विशेषकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा अति आवश्यक हो गया है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार पीएम गति शक्ति के नए नाम के साथ साथ इंजनों से संबंधित परियोजनाओं की घोषणा किया है, यह सार्थक कदम होगा अगर सरकार ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाए, नहीं तो सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्मार्ट शहर योजना की तरह यह आधा अधूरा ही न छोड़ दिया जाए। महोदय, हमारे मध्य वर्ग और नौकरी पेशा के लोग देश की रीढ़ हैं, उन्हें हर वर्ष टैक्स में क्या लाभ मिलता है इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं और नए बजट की ओर आस लगाए रहते हैं। वित्त मंत्री जी इसी मध्यम वर्ग को टैक्स में कोई रियायत न देकर निराश किया है, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। अब मैं अपने राज्य बिहार और अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। महोदय, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही साथ साथ प्रतिवर्ष चल ही रहता है। सरकार को उत्तरी बिहार के करीब 16 जिलों को, जो बिहार के करीब 75% भूभाग को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। गंगा नदी के घाट को साफ करना होगा। उत्तर बिहार के सभी नदियों के बांध को बाढ़ की क्षति झेलने लायक सुदृढ़ीकरण करना होगा। साथ ही नेपाल सरकार से बात कर इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रदान करना होगा, तभी हम अपने लोगों की जान माल की प्रतिवर्ष हो रही क्षति को रोक सकते हैं। टुकड़े टुकड़े में काम करने से सफलता नहीं होगी। बिहार में ही NH और एक्सप्रेसवे की स्वीकृति मिला है, उसे गति प्रदान कर समयबद्ध कार्य योजना के तहत पूरा करना चाहिए। बिहार के दर्जनों सांसद, हम लोग सड़क परिवहन मंत्री से मिले थे,
जो उस इलाके की अति आवश्यक लिंक लाइन कहा जाएगा कि बिद्दूपुर से दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर बिहारीगंज उदाकिशनगंज पूर्णिया तक भारतमाला के तहत फोर लेन सड़क निर्माण कराए। अभी पूर्णिया से फारबिसगंज मुजफ्फरपुर से पटना आने में 268 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और पूर्णिया से नौगछिया बेगूसराय बाढ़ बख्तियारपुर से 340 किलोमीटर की दूरी पटना आने के लिए तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित पथ पूर्णिया उदाकिशनगंज सिमरी बख्तियारपुर दलसिंह सराय से पटना आने में 110 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इसकी स्वीकृति देते हुए इसका निर्माण कराया जाना चाहिए। भारतमाला के तहत जो NH बिहार से गुजरेगा उसका एक समयबद्ध कार्यक्रम योजना बना के उसका कार्यान्वयन कराना चाहिए। NH 106 जो हम लोग के इलाके से गुजरती है इसका निर्माण 6 साल पूर्व शुरू किया गया था लेकिन आज तक 50-55% ही काम हुआ है। पटना हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस गए थे उस इलाके में, उन्होंने जब उस सड़क की दुर्दशा देखी तो अपने यहाँ आके 100 मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर कार्यवाही उन्होंने शुरू की लेकिन उसका भी कोई फल अभी मिल नहीं रहा है और उस काम को पूरी गति देके उसको कराना चाहिए। उसी NH 106 पर उदाकिशनगंज से बीहपुर 28.9 किलोमीटर में फुलौत के कोसी नदी पर 6.93 किलोमीटर उच्च स्तरीय पुल एवं 4 लेन पथ का निर्माण के लिए संवेदक इपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को काम अलॉट किया गया। प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास भी कर दिए लेकिन एक साल से अधिक होने को चला इसके निर्माण के कार्य शुरू ही नहीं हो रहा है। इसी पथ में सिंहेश्वर स्थान में घनी आबादी का इलाका है, तीर्थ स्थल है, वहाँ सरकार को चाहे फ्लाई ओवर हो चाहे बाईपास हो उसका निर्माण कराया जाना चाहिए। NH 107 जो हमारे संसदीय क्षेत्र से गुजरता है उसके निर्माण की गति काफ़ी धीमी है। इसके निर्माण कार्य पूरा करने का समय सीमा बार बार बढ़ाई जा रही है। इसी मार्च में काम पूरा करना था लेकिन अगले मार्च 2023 तक इसे बढ़ा दी गई। मार्च 2022 तक सहरसा मधेपुरा जो जिला मुख्यालय दोनों जगह है तक का कार्य अवश्य कराया जाना चाहिए। उस इलाके में एक पथ महत्वपूर्ण है जो NH 107 सोनवर्षा राज से NH 327 ही लिटियाही भाया बैजनाथपुर 98 किलोमीटर पथ को सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत पूर्व नेपाल के फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए हम लोग बॉर्डर इलाके में हैं। यदि इधर LPT दूरदर्शन था तो जो कार्यक्रम नेपाल के होते थे हम लोग समाचार सुनते थे तो उस समय में भी वही गाना या नेपाली कार्यक्रम आता था। इसलिए सरकार ने उसकी आवश्यकता महसूस की और 20 किलोवाट के दूरदर्शन केंद्र की वहाँ स्थापना हुई लेकिन अभी जानकारी मिली है कि उसको शायद बंद किया जा रहा है। यह उस इलाके के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं होगा। उसको नहीं बंद किया जाए और वहाँ जो 100 वाट का FM रेडियो चलता है उसको बढ़ा के 10 किलो वाट उसको किया जाना चाहिए। सरकार से आग्रह है कि इस पर अवश्य ध्यान दीजिए और इस योजना को नहीं बनने दीजिए। हमारे इलाके में मेरा संसदीय क्षेत्र मधेपुरा है, विद्युत रेल इंजन कारखाना की वहाँ स्थापना हुई। जब इसकी स्वीकृति हुई तो लोगों को लगा था कि इलाके का कल्याण होगा और उसके लिए जमीन भी अधिग्रहण हुआ, किसान अपने छाती पर पत्थर रख के उस फैक्ट्री के लिए जमीन दिए लेकिन अब पता चलता है कि लोग किस तरह से ठगाए। पहले हुआ था कि यदि कारखाना बनेगा तो वहाँ के पार्ट पुर्जा का भी निर्माण होगा लेकिन वैसा नहीं हो के अब बाहर से पार्ट पुर्जा रहा सिर्फ वहाँ असेंबलिंग हो रहा है। तो लोग जहाँ सोचते थे 5000 नौजवान को नौकरी मिलेगी वह ठगा का ठगा सा रह गया। हम मिले थे माननीय रेल मंत्री जी से, उनसे आग्रह हम दूसरे काम के लिए भी किए कि मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वहाँ बहुत सारे केंद्रीय
संगठन के कर्मचारी हैं और उसके बाल बच्चा के को भी पढ़ने के लिए 5 एकड़ जमीन उसमें से दीजिए केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो वह जमीन भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अध्यक्ष समाप्त कीजिए। बस एक दो मिनट सर। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी रेलवे को 1,40,367 करोड़ 13 लाख रुपया इन्होंने रेल को दिया, जिसमें मात्र 6,606 करोड़ रुपया बिहार जैसे बड़े राज्यों के लिए आवंटित करना आश्चर्यजनक है। इससे यही होता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी 1 करोड़ कभी 100 करोड़ आवंटित होगा और वर्षों तक परियोजना लंबित रहेगी। बिहार में कई रेल लाइन परियोजना लंबित है, फिर अमान परिवर्तन और डबलिंग का 5,267 किलोमीटर लाइन परियोजना पर ही 76,137 करोड़ के खर्च का अनुमान है। रेलवे ओवरब्रिज के लिए भी कई काम होने हैं। सहरसा के बंगाली बाजार में रेलवे ढाला संख्या 31 स्पेशल पर वर्ष 1997 में जो स्वीकृत हुई थी आरओबी, उसमें एक अड़चन यह था कि उसको जमीन नहीं हो रहा था। और हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि उन्होंने उस ओवरब्रिज के निर्माण में जो कठिनाई थी राज अपने फंड से 104 करोड़ रुपया उन्होंने धन्यवाद इसको धन्यवाद दिनेश चंद्र यादव जी। एक आधा मिनट सर दी, पूर्व मध्य रेलवे के ही 57 नई रेल परियोजना पर काम प्रस्तावित है, जिसे समयबद्ध पूरी करने के लिए राशि का आवंटन आवश्यक हो गया है। दोहरीकरण मानसी सहरसा पूर्णिया तक रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए और नई रेल लाइन बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर और बिहारीगंज से कुर्सेला तक, जिसका कई बार सर्वेक्षण हुआ, उसका निर्माण हो। महोदय, अंत में मैं अति महत्वपूर्ण कोसी में भी नदी लिंक परियोजना की बात करना चाहता हूँ। इसे अगर इंटरलिंक कर दिया जाए तो कोसी में जो बाढ़ का पानी आता है, तबाही मचाती है, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। बिहार सरकार भी इस परियोजना पर काज प्रारंभ किया है। राज्य के जल संसाधन मंत्री केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, अब निर्णय केंद्र सरकार को करना है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री भर्तहरि महताब जी।